आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा के फतेहाबाद में सोशल मीडिया पर तमंचा हाथ में लिए युवक का वीडियो वायरल हुआ है। अवैध तमंचे के साथ वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया गया था। हाल ही में शमशाबाद पुलिस ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम विनोली का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो कि युवक तमंचा हाथ में लिए वीडियो बना रहा है। मनीष ठाकुर के नाम से फेसबुक पर आईडी बनी है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, आम जनता सवाल कर रही है। अलीगढ़ में गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार सभी जनपदों में साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं थाना जवाहर क्षेत्र के कस्बे के जनता इंटर कॉलेज में साइबर जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक किया गया है। इसमें भाग लेने वाले कॉलेज के छात्र छात्राएं बताए जा रहे हैं, जिन्होंने ऑनलाइन और कॉलिंग ठगी से बचने के अनेक तरीके बताए और उनको जागरूक भी किया। लेकिन जागरूकता अभियान से पहले कार्यक्रम में शामिल क्षेत्राधिकारी तृतीय श्वेताब पांडे द्वारा वृक्षारोपण किया गया और माँ सरस्वती के समीप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। देखिए, आज जो है 8 तारीख को जो है गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से साइबर जागरूकता अभियान, जो एक नुक्कड़ नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता या कुछ एंटरटेनमेंट के जरिए जो है आम जनमानस को जागरूक करने के लिए एक 8 तारीख उत्तर प्रदेश के लिए नियत थी। उसी में उत्तर प्रदेश में जो 18 साइबर प्रतिक्षेत्रीय थाने हैं वहाँ पे जो है ग्रामीण अंचल के लिए ये जो है प्रोग्राम रखा हुआ था, और अलीगढ़ से जो है छेरक जनता इंटर कॉलेज में ये प्रोग्राम रखा गया, जहाँ पर कुछ लोग MHA के द्वारा जो है हुए थे, जिन्होंने जो है पपेट के माध्यम से और जादू दिखा करके ये इवेंट्स को लिया गया। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के दिल्ली अलीगढ़ कानपुर नेशनल हाईवे पर देर रात दो वाहनों के बीच भिड़ंत के बाद एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव नदुआ के पास नवनिर्मित बिजली घर के पास रोडवेज बस और आलू से भरे कैंटर गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हो गई। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की रोडवेज बस यूपी के मैनपुरी जिले के अलीगढ़ के रास्ते दिल्ली की तरफ जा रही थी। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस का चालक तेज गति के साथ रोडवेज बस को दौड़ा रहा था। इसी दौरान रोडवेज बस चालक बस पर अपना नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद तेज रफ्तार रोडवेज बस रंतित होकर सामने से आ रहे आलू से भरे कैंटर गाड़ी में तेज रफ्तार के साथ पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बिजनौर में SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने कोतवाल राधेश्याम को पदक देकर सम्मानित किया है। वहीं उनके शुभचिंतकों में एक खुशी का माहौल बना हुआ है और उनको बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है। नटखोल नगर पालिका चेयरपर्सन राजा अंसारी ने कोतवाल राधेश्याम को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोतवाल राधेश्याम को वेचना में उत्कृष्टता के लिए इस पदक से नवाजा गया है। और अब खबर देवरिया से, जहां देवरिया जनपद के गौरी बाजार ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत लोहटी गांव सभा से आपको बता दें कि लोहटी ग्राम सभा में विद्युत तार जो है वो लटका हुआ है। ऐसे में वो लगातार खतरे को दावत दे रहा है। इसकी सूचना स्थानीय विधायक और बिजली विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में रोष देखा जा सकता है। वहीं गांव के निवासी जगदीश तिवारी का कहना है कि बिजली विभाग एकदम लापरवाह हो गया है और शिकायत के बावजूद भी बिजली विभाग शांत पड़ा हुआ है। वहीं उनका कहना है कि बरसात में यहाँ बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन बिजली विभाग के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। समस्या है बेटा, ये तार इतना नीचे आ गया है कि एक बार गाय इस पर आई तो छुआ के मर गई। एक आदमी घात कर रहा था, वो घसिया से छुआ गया तब तो गिर गया, नहीं घात नहीं गया तो वो भी मर गया होता। इसकी सूचना हमने मंत्री जी को अपने प्रधान के साथ ले जाके बताया। मंत्री जी ने चिट्ठी हमारे सामने एक्सचेंज को लिखा और दिए, कहे कि जाओ जाइए आप लोग एक्सचेंज से कर दीजिएगा। एक्सचेंज बेचारे बड़े भाता में कहे कि इसको बहुत जल्दी हम करा दे रहे हैं, इस प्रकार की घटना हो सकती है। दिनेशपुर के रुद्र ग्रीन कॉलोनी जयनगर हाईवे में एक मोटरसाइकिल और बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बाइक सवार दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर तत्काल थाना दिनेशपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचे और क्षेत्राधिकारी पदनगर महोदय घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचते ही इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गए हैं।
दोनों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं जो दूसरे बाइक सवार थे उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। कल शाम को हमें सूचना मिली थी कि जयनगर पंप के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें दो व्यक्ति घायल हुए हैं। तो मौके पर पुलिस बल जब पहुंचा तो देखा तो दो व्यक्ति मौके पर ही मर चुके थे और जो ट्रक था उसका ट्रक का जो चालक था वो ट्रक छोड़ के भाग गया था। ट्रक को मौके पर कब्जे पुलिस लिया गया। शव को बाद आवश्यक कार्रवाई हेतु PM हेतु मोर्चरी भिजवाया गया। अभी इस संबंध में जाँच की जा रही, गलती थी किसकी करके, आसपास जो कैमरे लगे हुए उनको देखा जा रहा है। और अब खबर गोंडा से, जहां मुझेना ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख पद के लिए चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुसुमा देवी 3 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी श्याम बाबू से चुनाव जीती हैं। दरअसल प्रदेश की 826 ब्लॉक प्रमुख सीटों में से 825 ब्लॉक पर एक साल पहले चुनाव हो गया था और एक ब्लॉक मुहेना में एक साल बाद यानी कि चुनाव कल संपन्न हुआ। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में कुसुमा देवी को अपना प्रत्याशी बनाया था। वहीं भाजपा से बगावती तेवर अपनाते हुए भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण चरण सिंह ने श्याम बाबू को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। कि जहां संगठन है वहीं पार्टी है, वहीं भाजपा, संगठन से ही पार्टी होती है और आज संगठन मजबूत हुआ है और हमारी पार्टी मजबूत है। कितने वोटों से जीत हुई आपकी? 3 वोट से। क्या जो बागी लोग खड़े हुए थे उनके लिए पार्टी क्या करेगी? देखिए, कौन क्या करेगा ये हमारा विषय नहीं है। हम लोगों को जो करना है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। शुरू से हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को लेकर, संगठन को लेकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया गया है, उनको मजबूत करने का काम किया गया है। क्योंकि बिना हमारा कार्यकर्ता जब तक नहीं मजबूत होगा तब तक हम लोग कहीं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये हमारा भी मानना है, पार्टी का भी मानना है, उसी सिद्धांत में हम लोग चल रहे हैं और हमेशा चलेंगे। पौड़ी तहसील के अंतर्गत आने वाले कंजीखाल ब्लॉक क्षेत्र में मंगलवार रात को 4 युवकों द्वारा वन विभाग के वन आरक्षी के साथ मारपिटाई की गई। वन आरक्षी पंकज नेगी ने बताया कि वो अपने अलवानी क्षेत्र में रास्ते गश्त करते हुए आ रहे थे। वहीं जजौली धार के पास रात के समय 4 युवक और 2 युवतियां संग में बैठे हुए थे। उनके द्वारा उनसे आग्रह किया गया कि ये क्षेत्र गुलदार प्रभावित क्षेत्र है, साथ ही जंगली जानवरों के आने का खतरा भी है। वर्तमान में फायर सीजन जारी है, ऐसे में कोई अप्रिय घटना क्षेत्र में ना हो इसको लेकर उनसे यहाँ से जाने का आग्रह किया गया, लेकिन उन्होंने वन आरक्षी के साथ जमकर मारपिटाई कर दी। एक लड़की आई है जिसके पैर में चोट लगी है, जो कि उसने बताया है कि स्कूटी का एक्सीडेंट होने की वजह से लगी है। हमारे पास फिर वन विभाग के पंकज नेगी जी आए हैं, जिन्होंने ये बताया है कि उनके साथ कुछ लड़कों ने मारपिटाई करी है, जिसकी वजह से उनके फेस पे काफी गहरा घाव है और उनके मुंह पे काफी सूजन भी है। क्या ट्रीटमेंट चल रहा है उनको और आगे आप क्या किस तरह की देखें? हमने पूरी जांच करी है कामिनी के पैर की। उसके पैर पे एक बड़ा घाव है जिसकी पट्टी कर दी गई है। जो पंकज नेगी जी हैं उनकी भी क्या कहते हैं सीटी स्कैन के द्वारा इमेजिंग कर ली गई है और उनका भी इलाज चल रहा है। ये 4 लड़के हमारे कंपार्टमेंट से अभी में रुके हुए थे। 4 लड़के, 2 लड़कियां, अच्छा, एक स्कूटी, एक बाइक जी। ठीक है, मैं ग्रस्त मार के आ रहा था, मैंने रुका, एक हमारा फायर सीजन भी चल रहा है, हमारा प्लांटेशन है वहाँ पे, ठीक है, उसके बाद गुलदार प्रभावित एरिया भी है। मैंने कहा इनको 8 बजे, लगभग 8 बजे की बात है, ठीक है, मैंने इनको कहा, मैंने कहा यहाँ पे रहना अच्छा नहीं है, मैंने कहा कल को तुम्हारे साथ भी घटना हो जाएगी, तो मैंने कहा आप चलिए, तो ये जाने से मना कर दिया इन्होंने। उसके बाद मैंने कहा चलो तुम जितनी देर वेट करोगे मैं तुम्हारे आगे आगे, तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, ये नहीं माने। इतने में इन्होंने धमकी देने लग गए, पता नहीं क्या 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 धमकी दी इन्होंने, ये धमकी कि हम ऊपर फोन करेंगे, ये कहाँ ऊपर फोन करेंगे, कुछ SSP की बोल रहे थे कि मैं हम SSP को फोन करेंगे। मेरे द्वारा जो है आज दिनांक 8 को जो है इसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, आगे भी बेचने जारी है। और किस तरह से पकड़ने की तैयारी चल रही है? पकड़ने की तो अभी तो आगे तैयारी होगी इसमें पकड़ने की, अभी तो फिलहाल मुकदमा दर्ज हो रहा है, कल से जो है आगे कार्रवाई होगी। मामला इस प्रकार आया था कि एक बनारची हैं पंकज नेगी, जो कि कलजीखाल से आ रहे थे, तो छजरेदार में जो है वहाँ पे जो है कि 4 लड़के और 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी, ये लगभग जो है 8 बजे की बात है। तो ये पंकज नेगी द्वारा बोला गया कि ये जो है यहाँ जो है बाघ वूग रहते हैं, आप यहाँ से जल्दी घर निकल जाओ।
पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन और निर्देशन में क्षेत्राधिकारी अकबरपुर द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में उपस्थित समस्त अधिकारी कर्मचारीगण को दंगा नियंत्रण उपकरणों के संबंध में प्रशिक्षण और शस्त्र संचालन तथा शस्त्र खोलने और बंद करने, साफ सफाई के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने बताया कि रात 1:35 पर फायर सर्विस गोपेश्वर सूचना मिली कि कुंजो मुकोटा के गांव की गौशाला में आग लग गई है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची और यहां पर आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक 10 मवेशियों की जलकर मौत हो चुकी थी। हरिद्वार में दिन दहाड़े ज्वेलर्स शोरूम को लूटने की कोशिश की गई, जिसमें एक बदमाश पकड़ा गया है। शिवालिक नगर के अमन ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े 4 बदमाशों ने डकैती डालने की कोशिश की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद शोर मच गया और इसके बाद आसपास के लोगों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें से एक बदमाश को पकड़ लिया गया है। साथ ही उसके पास एक तमंचा भी मिला, बाकी 3 बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हरिद्वार में गंगा दशहरे का आयोजन को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। हरिद्वार जिले में हर की पौड़ी सहित लक्सर में पांचलेश्वर महादेव मंदिर में गंगा दशहरे पर मेले का आयोजन होता है। कोरोना की लहर के बाद अब 2 साल के बाद गंगा दशहरे पर श्रद्धालुओं में भारी उत्सव है, जहां हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर 38 भाग से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया था, तो वहीं गंगा दशहरे पर भी 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद हरिद्वार में हर की पौड़ी पर और इसके अलावा सर्बानंद डैम पूठी भाट पर श्रद्धालुओं की नदी पर भीड़ भाड़ देखी जा सकती है। यातायात व्यवस्था पर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से रूट डायवर्जन कर दिया है। लखनऊ के थाना चौक में खुलेआम स्टिल हंगरी नाम से हुक्का बार चल रहा है। इस अवैध हुक्का बार को किसका संरक्षण मिल रहा है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आरोप ऐसे लग रहे हैं कि अवैध है। नाबालिग युवकों को हुक्के की लत डाली जा रही है। रूमी गेट चौकी क्षेत्र के अंतर्गत यह अवैध हुक्का बार चल रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल में आए दिन पार्किंग की समस्या को लेकर जहां शासन प्रशासन दोनों बड़े चिंतित दिखाई देते हैं, वहीं पुलिस प्रशासन भी पीछे नहीं है। यहां बता दें कि पर्यटकों के अचानक भीड़ बढ़ जाने से सरोवर नगरी में यातायात व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, जगह जगह जाम की स्थिति भी पैदा हो जाती है, पार्किंग की समस्या भी बढ़ जाती है। तो पार्किंग की समस्या को देखते हुए कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत और DIG डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जगह जगह औचक निरीक्षण किया। दबाव ट्रैफिक का काफी ज्यादा है और जैम से भी जूझना पड़ रहा है, तो मैं 2 चीजें देखने गया था। तो सबसे पहले जो नारायण नगर में पार्किंग बन रही है, इसमें आराम से 150 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, इसमें विलंब हो रहा है। टॉयलेट उसकी बन के तैयार है, ग्राउंड में केवल इंटरलॉकिंग टाइल्स लगनी थी, इसमें अगर वक्त भी लगता है तो इस सीजन में आराम से हम गाड़ियां वहां पे लगा सकते हैं। KMBN को निर्देश दिए कि 2 दिन के अंदर इसकी वो लेवलिंग करें, टॉयलेट उसका पहले से फंक्शनल है, गाड़ियों का वहां पे इस्तेमाल है। रूसी बाईपास को जो हम पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसमें शटल की सेवा अच्छी है, पार्किंग्स भी ठीक से हो रही है, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी ठीक है। टॉयलेट्स यहाँ पे नहीं है, टॉयलेट्स में जिला पंचायत से हमने कहा आप इसे ऑपरेट कर रहे हैं, आप ही किराए पे मोबाइल टॉयलेट्स लेके यहाँ पे जब तक सीजन चल रहा है पीक का किराए पे मोबाइल टॉयलेट्स यहाँ पे लगाएं, और उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं, और डिस्ट्रिक्ट को भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं, उसमें फंड्स की अगर आवश्यकता है तो वो भी बताएं, ताकि ये आने वाले जो दिन है स्मूथली निकलें। बट हम देखा कि थोड़ा सा संख्या और बढ़ाई जा सकती है यहाँ पे, और इसमें थोड़ा स्कोर और मॉनिटर हम कर सकते हैं, कुछ अच्छी साइनेज वगैरह कर सकते हैं कुछ। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकारियों की समन्वय समिति की बैठक में 23 जून को रामपुर में होने वाले लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर शातिर अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया, ताकि उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपट सके। अभी आगामी समय में बाई इलेक्शन प्रस्तावित है, तो उसको लेकर माननीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में हम लोग बॉर्डर मीटिंग करते हैं। तो आज उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी महोदय, वहाँ के SP साहब हमारे साथ में, जनपद रामपुर के SP साहब, हम सब लोगों ने जॉइंट मीटिंग किया है, और जो बॉर्डर इश्यूज़ होते हैं, जितने भी हमारे ऐसे थाने हैं जो बॉर्डर पे अवस्थित है, उसमें जो गांव हैं, ऐसे जो अपराधी हैं,
जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उन सब विषयों पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और एक सहयोग की हमने अपेक्षा की है। पुराना भी हमारा लगातार बहुत अच्छा समन्वय उधम सिंह नगर के प्रशासन के साथ में रहा है, तो वही हमने अपेक्षा की और हमें बहुत अच्छा वहाँ से सहयोग मिलेगा ऐसा वहाँ के प्रशासन ने भी हमें आश्वस्त किया है, उसी को लेकर आगे। श्रीनगर में हिम्मती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में दो छात्रों के गुटों में जमकर लात घूंसे चले। छात्रों के बीच हुई मारपिटाई को रोकने में विश्वविद्यालय की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी भी नाकामयाब साबित नजर आए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।